करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो, तीन। अब दुआ करें मुर्गी अंडों पे बैठ जाए। बैठ रही है, बैठ रही है, देख रही है। चलिए करो यार, बैठ जाओ। ये लो फिजान, पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो। ये लो पकड़ लो, गिर जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमने ना आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आज हमने क्या करना है। तो फिलहाल आज हमने ब्लैक वाली मुर्गी जो हमारी है ना उसे अंडों पे बिठा देंगे। फिलहाल माशाल्लाह से मुर्गी हमारी कुड़क हो चुकी है, उसे मैंने फेक अंडों पे बिठाया हुआ था। फिलहाल ध्यान से पकड़ी, गिर गए ना? नहीं गिरते यार। तो ये हमारी ब्लैक वाली मुर्गी, ये फिलहाल इसे फेक अंडों पे बिठाया दुकान वाले, फुल कुड़क हो चुकी है, अभी इसे बिठाएंगे। तो दोस्तों मुर्गी को अंडों पर बिठाने से पहले ना हम कुछ अहम बातें जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ना अंडों पर अगर मुर्गी को हम इस तरह से बिठा देंगे ना तो वो मसला वगैरह बनेगा, वो तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब दोस्तों आपने मुर्गी को अंडों पर बिठाना है ना, तब मुर्गी का पहले कुड़क जो है पक्का अच्छे से कन्फर्म कर लेना कि मुर्गी अच्छे से कुड़क हो चुकी है कि नहीं। अगर आप मुर्गी को अच्छे से कुड़क नहीं करेंगे ना तो मुर्गी जो है ना यार बाद में ना अंडों से उठ जाएगी। जब हम अंडों पर इसकी जो अपने वाले अंडे हैं ना अंडों पर बिठा देंगे तो ये दो दिन के बाद या एक दिन के बाद उठ जाएगी, फिर अंडों पे बैठेगी नहीं, फिर यार मसला बनेगा। मसला ये बनेगा कि भाई साहब वो अंडे हमारे ख़राब हो जाएंगे, अंडों में बच्चे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मुर्गी अंडों पे बैठेगी नहीं, तो जिसकी वजह से अंडे ठंडे पड़ जाएंगे, तो अंडे हमारे जो हो जाएंगे ख़राब। तो इस वजह से पहले दुकान वाले अंडे आपने ले लेने हैं, दो या तीन, तीन दो अंडे मैंने इसके नीचे रखे हैं। फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मुर्गी जो है ना वो डर के भागने लग पड़ी थी और मुर्गी के पीछे डक लग गई थी। डक कहाँ गई? डक दिखा, डक बोल। तो मुर्गी के पीछे जो है ना डक लग गई थी। दोस्तों मैंने जगह वगैरह बना लिया है, अंदर कपड़ा वगैरह जो है तूड़ी वगैरह मेरे पास नहीं थी, फिर भी काम चल गए। अब टाइगर शोर काफ़ी डालने लग पड़ा, गुस्सा आ रहा है। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा है कि आपने दो या तीन अंडे ले लेने, चार अंडे ले लें, दो भी अंडे ले लें, कुछ कोई बात नहीं। तो पहले मुर्गी का अच्छे से कुड़क देख लेना कि कुड़क हो चुकी है कि नहीं, फिर आपने अंडों पर मुर्गी को बिठा देना। अब मैं मुर्गी के नीचे 16 अंडे रखूँगा। अंडे तो काफ़ी छोटे छोटे दिए हैं मैंने, देखते हैं अब कितने बच्चे निकलते हैं। 16 के करीब हम जिसके नीचे मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, और मुर्गी को मैंने दाना डाल के अंदर बंद कर दिया, फिलहाल वो दाना खा ले। दोस्तों आपने वो वाला कमरा सेलेक्ट करना है जिसमें ना काफ़ी ठंड हो। अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है ना, कमरा काफ़ी ज़्यादा हीट कर जाता है। जब कमरा काफ़ी ज़्यादा हीट करता है ना तो भाई साहब मसला वगैरह बनता है, तो अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। आपने वो कमरा सेलेक्ट करना है जहाँ पर मुर्गी बिठाना है, वहाँ पर मुर्गी को ये डब्बा मैं वहाँ पर बिठाऊँ रखूँगा जहाँ पर ना थोड़ा सा ठंडा कमरा हो, जिसमें जो जो कमरा आपका लगता है ये ठंडा है। जहाँ अब तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है दोपहर के टाइम, तो अंडे ख़राब होने का ना काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने अच्छा रिजल्ट लेना है ना, अच्छा फर्टाइलिटी, अगर आपके आप सोच रहे हैं कि सभी अंडों में से बच्चे निकले, तो आपने ये छोटी सी चंद बातों पर आप अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह से आप ना फर्टाइलिटी जो है ना अंडों में से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह मान लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। दोस्तों ये जो चार अंडे हैं ना ये किसी और मुर्गी की हैं, वो भी मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ। 12, 13, 14, 15, 16। आपने जब अंडे रखने हैं ना, ये देखें थोड़ा पास लिया है, ये देखें दोस्तों, जब आपने अंडे रखने हैं थोड़े गहरे हों, जब गहरे होंगे ना थोड़ा सा खड्डा वगैरह होगा तो अंडे जो है ना इकट्ठे रहेंगे, जिसकी वजह से ना अंडे इकट्ठे रहेंगे तो फिर ना अच्छी तरह से इनको ना जो है हीट वगैरह मिलेगी, तो फिर सभी अंडों में से बच्चे निकलेंगे। ये भी याद, आपने थोड़ा सा गहरा बनाना है। अब मुर्गी को जल्दी से छोड़ते हैं, पहले वो दाना वगैरह खा ले। अब मैं आपको ये अंडे हम ना ख़राब नहीं हुए, दो दिन मैंने इसमें चेक किया, ये अंडे हम बॉयल करके हम अपने मुर्गों में डाल देंगे, ये अंडे वगैरह ख़राब तो नहीं है। मैंने मुर्गी के लिए ना दाना वगैरह रखा हुआ है, दाना वगैरह खा रही है,
तो क्योंकि इसके पीछे ना बत्तख वगैरह भी लग जाती है, मुर्गे वगैरह लग जाते हैं क्रॉस वगैरह करने के लिए, और जो है ना अंडे वगैरह भी मैंने सेट कर लिए हैं अच्छे से। अब ये जो डब्बा है ना हम नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके नीचे वाले कमरे में ना यहाँ रख देंगे, नीचे जाके फ्रिज में नहीं रखना। तो ये डब्बा हम नीचे उठा के ले जाऊँगा, जो कमरा मेरा ठंड जो हमारा कमरा ठंडा होगा ना, जहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है दोपहर के टाइम, तो अंडे अगर अच्छी फर्टिलिटी लेनी है, अगर अच्छा रिजल्ट लेना है तो भाई साहब हमें कमरा भी अच्छा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं नीचे ले के जाऊंगा डब्बे को भी और मुर्गी को भी, तो दाना वगैरह खिलाने के लिए ऊपर ले आया करेंगे। बाकी जो है ना चार जो अंडे हैं ना, बाकी जो चार अंडे हैं तो इस मुर्गी के हैं दोस्तों। फिलहाल अभी मैंने इन सभी को ना बॉयल किए हुए चावल डाले हैं, माशाल्लाह से हमारे देखें कितने ज़्यादा चीक्स हो गए हैं, कुछ इधर फिर रहे हैं, और वो देखें मुर्गा बेताब हुआ पड़ा बाहर आने के लिए। भाई थोड़ी देर रुक जा, ये पानी वगैरह पी लिए, दाना वगैरह भी खा लिया, और चावल वगैरह भी मैंने इसके लिए रखे हैं ब्लैक मुर्गी के लिए। अब जल्दी से जल्दी अब अंडे नीचे लेके मुर्गी को नीचे जाकर बैठाता हूँ। मुर्गी का काम चेक करें भाई साहब कहाँ चढ़ गई है। और दोस्तों सभी चूज़ों को ना और सभी को बंद वगैरह भी करना, जल्दी से इनको सभी को कवर वगैरह करके बंद भी करते हैं। इस मुर्गी ने दाना वगैरह खा लिया। तो दोस्तों जिस जगह हमने मुर्गी को बैठाना है ना, वो मैंने जगह तलाश कर ली है जिस कमरे में हमने बैठाना है। जल्दी से मुर्गी को अंडों पर बिठाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। फिजान छत पे जो है ना मुर्गियों को दाना वगैरह डाल रहा है, फिजान मुर्गियों को दाना वगैरह डाल रहा है। अब देखते हैं मुर्गी अंडों पर बैठती भी है कि नहीं। ये इस कमरे में काफ़ी है ना ठंडक है, अब दुआ करें मुर्गी अंडों पर बैठ जाए। बैठ रही है, बैठ रही है, देख रही है। चलिए करो यार बैठ जाओ, बैठेगी ज़रूर भाई, कन्फर्म बात है, क्योंकि मैंने इसका अच्छे से कुड़क पहले देखा था। बैठ जाएगी, ये देखिए देख रही है ना, अब बैठेगी तो ज़रूर। अब सेट वगैरह करेगी तो बस। तो दोस्तों मुर्गे को मैंने तो मुर्गी को मैंने ना अच्छा से कमरा सेलेक्ट करके ना तो मुर्गी को अंडों पे बिठा दिया, माशा से वो अंडों पे मुर्गी बैठ जाएगी। तो बस आपने दुआ करनी है कि सभी अंडों पे से बच्चे निकले। चार अंडे किसी और मुर्गी के थे, वो मैंने अभी आपको दिखाया भी है किस मुर्गी के। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं बयान करते हैं। दोस्तों अगर आपको समझ ना लगी तो आपने बता देना, फिलहाल ये काफ़ी बेस्ट तरीका है। तो मैंने जो मैंने गलतियाँ की आपने मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं भी इंसान हूँ, आपको पता ही है। तो फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पेंड करते हैं दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।